माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी नफरत क्यों? नीति आयोग की बैठक में जाते, बिहार के हित में बात करते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है? नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया गया है। लेकिन देखिए, पिछले बार की तरह इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी जो है उन पर हमलावर है। और ऐसे में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जमकर निशाना साधा, साफ कहा है कि इतनी लज्जा क्यों? क्या आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंख नहीं मिला सकते हैं क्या? तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूरा बयान सुने आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी नफरत क्यों? नीति आयोग की बैठक में जाते, बिहार के हित में बात करते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है? क्यों लज्जा आती है? जनादेश का अपमान करने के कारण, या बिहार की जनता के हित की सोच नहीं है? आपने नीति आयोग में हर बार जाने से इनकार कर रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास और देश का सम्मान विश्व के अंदर बढ़ा रहे हैं। आज आतंकवाद से मुक्ति दिलाए, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करके मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का, सबके विकास के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करके बिहार के विकास के हित में नहीं, बिहार के लोगों को भरमाने के लिए, लड़ाने के लिए इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। जो हमारा इतिहास को मिटाया था हजार वर्ष की गुलामी में, उस इतिहास को प्रधानमंत्री जी सांस्कृतिक विरासत को जगा रहे हैं। पूरा मां भारती का संतान गौरवान्वित हो रहा है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। आज आज़ादी के गुलामी के निशानी को मिटाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नए लोकसभा का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका भी आपने बहिष्कार करने का और विपक्षी एकता की बात करके आप तमाम भ्रष्टाचारियों की जमात को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इससे आपका सम्मान नहीं बढ़ रहा है, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। और लोग ये मान रहा है कि अपने स्वार्थ अहंकार के कारण ये व्यक्ति राजनीतिक अपवित्रता और अराजकता के वातावरण को बना रहे हैं, देश के अंदर एक नकारात्मक माहौल को खड़ा कर रहे हैं। बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी आपको। तो आपने साफ सुना किस तरीके से नीति आयोग की बैठक में नहीं जाने को लेकर विजय सिन्हा ने जमकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, साफ कह दिया कि इतनी लज्जा क्यों है नहीं जाने को लेकर। नीति आयोग की बैठक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो वहां पहुंचे हैं, और ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां जा रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, इसको लेकर साफ कह दिया। क्या प्रधानमंत्री से आंख मिलाने में डर लग रहा है, इस वजह से नहीं जा रहे हैं? वहीं विपक्ष जिस तरीके से बहिष्कार किया है नए संसद भवन का, उसको लेकर भी खूब सुनाया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।